प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। 32 दिन के भीतर ये दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात रही। इससे पहले मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे पर जेलेंस्की से मिले थे। मोदी ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे पर हुए फैसले को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि वो कई देशों के नेताओं से रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात करते रहते हैं और सबका मानना है कि जल्द सीज फायर का रास्ता खोजना चाहिए। बता दें कि जेलेंस्की ने जंग रोकने के लिए किए जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने मोदी के यूक्रेन यात्रा की भी सराहना की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली UNGA के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा।